रायु का बर्थडे। मैं बोलते बोलते इमोशनल हो गई। मेरी रायु देखते देखते 1 साल की हो गई। अभी 12 बजने में बस 5 मिनट बाकी है। मतलब बहुत कुछ मेमोरी याद आ रही है। लास्ट टाइम इस टाइम हॉस्पिटल में थी, कितना पेन में थी। आज मेरी रायु मेरे साथ है। बस आप लोग उसके लिए इस दिन बस यही आशीर्वाद करना, दुआ करना कि वो बहुत बड़ी बने। इतना नहीं रोते, हमारी लक्ष्मी तो हमारे पास है ना। অনেক বড় তবে মা, আমি যে স্বপ্নগুলো পূরণ করতে পারিনি তোমার সব পূরণ করতে হবে বেটা। আমরা পূরণ করো। ये हो गया सेकेंड केक रायु का। पहला केक रायु ने ईद के दिन काटा था, ये है सेकेंड केक। और मेरी परी को देख ले, और कितने 5 मिनट बाकी है और यहाँ पे हम लोग सब रेडी। सुपर नर्वस, एक्साइटेड, इमोशनल, बहुत कुछ फीलिंग साथ में। केक कट करने के लिए पूरा रेडी है, बार बार केक कट करने के लिए जा रही है। और अभी भी रायु बाकी है मम्मा, 3-4 मिनट अभी बाकी है। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे मेरा बच्चा, हैप्पी बर्थडे टू यू। देखो हमारी जान का पूरा 1 साल हो गया। अभी मैं कल के बाद अभी मिल रही हूँ। अभी दोपहर का 2:45 बज रहा है। एक्चुअली सुबह से कुछ भी अलग नहीं किया है, रायु का रूटीन चेंज नहीं किया है ताकि उसको कोई भी दिक्कत ना हो। और दिक्कत होगी ना तो वो रोने रोने लगेगी, इसीलिए मैंने कुछ भी दिक्कत है उसको देरी नहीं किया है। अभी 2:45 बज रहे हैं तो मेरा हेयर डू करने के लिए आ रहे हैं। उसको ऑलरेडी मेरी एक फ्रेंड है इफ्रा, तो वो बहुत जल्दी भेज दी है। चलो अच्छा है कि मैं लेट हो जाऊंगी, उससे पहले मैं अभी हेयर डू कर लूँ, बाद में मेकअप करूंगी। बस ये अच्छे से हो जाए तो एक उम्मीद मिल जाएगी। अच्छा, और ये कल वाला जो रहेगा। अभी मुझे जाना पड़ा है कैलकाटा, क्योंकि हम लोगों ने सब कुछ किया और भूल गया हम लोगों ने, मतलब वो जो स्पार्क होता है ना तुबड़ी का जैसा जलता है, तो वो हम लोगों ने एकदम जब डेकोरेशन को बुक किया था उस टाइम हम लोग ने एकदम भूल गए कि वो भी बुक करना है। उसके बाद मैंने एक वीडियो देख के ना मुझे याद पड़ा, या मतलब ये कैसे भूल गए, ये तो ज़रूरी है, केक काटने का वक्त तो ये लगेगा। और रिया को भी बहुत मन करा, नहीं इसको तो चाहिए चाहिए। तो हम लोगों ने फ़ोन किया डेकोरेशन वाले को, वो बोले कि आप ही इस वक्त मैं अरेंज नहीं कर पाऊँगा क्योंकि वो सब बुकिंग दूसरा जगह हो गया, आप लोगों ने पहले नहीं बोला। तो अभी मैं जा रहा हूँ कैलकाटा, क्योंकि कैलकाटा के वहाँ बर्थडे का सब कुछ मिलता है। तो जाके देखते हैं कि अगर वो गन एक गन जैसा है, मतलब वो स्पार्क वाला, अगर वो सब भी कुछ भी मिल जाए तो वो मैं लेके आऊँगा। फाइनली यहाँ से मिल गया, ये रहा स्पार्क का गोली बंदूक का, और ये रहा बंदूक। ये हमारा फर्स्ट फ्लोर जहाँ पर बैकग्राउंड लग रहा है रायु का, और यहाँ से ही सब मतलब केक कट वगैरह, केक का वो स्टैंड है, ये है सब कुछ है। यहाँ भी पूरा डेकोरेशन हो चुका है, तो यहाँ पर केक पूरा आ चुका है। यहाँ पर केक एक एक करके सेट होगा, ठीक है। तो उन लोगों ने जहाँ हमने ऑर्डर किया था वही आए हैं केक को सेट करने के लिए, क्योंकि थर्ड फ्लोर का केक है। तो केक पूरा सेट होने के बाद ही आप लोगों को हम दिखाएंगे। और ये रहा किचन, यहाँ पे सब खाना बनने का काम चल रहा है। देखिए ये पनीर वगैरह सब कुछ का, वो तो अभी मैं नहीं दिखा पा रहा हूँ क्योंकि मतलब अभी ब्लेजर को मैं नहीं पहना, बहुत गर्मी नहीं है तो इसीलिए मैं ब्लेजर को हाथ में लेके घूम रहा हूँ। तो इसी उन्होंने से मैं पहन लूंगा, क्योंकि अभी तक गेस्ट आया नहीं है, कोई नहीं है, तो अभी से पहन के बेकार होगा। शाकिब चला गया है और मैं आप लोगों के साथ कुछ भी शूट नहीं कर पाई, बहुत लेट हो गई। ऑलरेडी 6:15 हो गया है, वहाँ पे बोल रहे गेट का काम चल रहा है, पर 2-3 गेस्ट आ गए, पर मैं निकल गई अभी। रायु को रेडी करके आना बहुत मुश्किल की बात है, और ऐसे जा रही ना पूरा पसीना पसीना। शाकिब से बोला जल्दी जल्दी आओ, मौसमी जो मेरी फ्रेंड है वो बहुत दूर रहती है, वो ऑलरेडी आ चुकी है आई थिंक। वो तब मुझे फोन की थी, और एक्चुअली रायु आज बहुत सोई है, वो सो गई थी, इस कारण उसको उठा के रेडी करने में इतना लेट हो गया।
और मैं तो मतलब जल्दी जल्दी में करी और माँ भी क्या थे तो कितना देर बैठी थी लास्ट में माँ भी रेडी हो रही थी, अभी दो से बहुत हेलो हेलो करो फाइनली पहुंच गए फाइनली और आ जाओ यहाँ पे राजू का फोटो सुंदर लग रही है मेरी राजू किसी की नजर ना लगे और यहाँ पे गेट बन चुका है बना नहीं ऊपर पे मॉकटेल काउंटर भी लग चुका है आप लोगों को थोड़ा सा सिनेमैटिक दिखा देते हैं ओ पीठ फाटा पे बोलते सेलिब्रिटी तो आगे बोलो वो आगे ही बोले दीचे कैमरा चलाते यार बोलचे ना কেমন করো তুমি কেমন করো মিমির ক্যামেরাতে কেমন করো দেখাও দেখি এরম করো এরম করো আসো আকেলে আকেলে ফটো উঠানা সহি নাই হ্যায় শাকিল भाई देखो यहाँ पे तीन सुंदरी आई है पर इनका हस्बैंड नहीं आए बहुत ही व्यस्त है हस्बैंड ही होवे सोमू ठीक है हैं नीचे नीचे घूरते हैं प्लान होवे आबार पड़े चटके निबे আমাদের আপনারা দাদা
তো স্টিল দাঁড়িয়ে আছে। यहाँ केक कटिंग चल रहा है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। यहाँ पे ही पूरा स्टॉल लगाया है और यहाँ पे ये हमारा ये मॉकटेल काउंटर। और मुझे बहुत मेरा गला सूख रहा है, अभी जूस लेना है। एक लेबूर बनिए ना। बाप रे बाप, मुझे ये बहुत जरूरी है अभी। मैंने हिंदी में और नहीं बोल पा रहे, जितना हो गया हिंदी में बोले उसके बाद बंगाली में बोल रहे। बोनू गाइस, बोनू जाओ जाओ, चलो चलो चलो। बोनू को था, बोनू को था बाबू, बोनू चलो। तो बोनू बोनू चलो चलो चलो। और मेरे बात देखे एक तो खाई आना माना माना। कोई करते चुम्मा Thank you.
वीडियो अच्छे वीडियो अच्छे बोलो किए काम को तो व्यू दे से रायू इतना कॉपरेट किए ना तब से मतलब 5 बजे से लगातार एक बार भी मेरी बच्ची रोई नहीं इतनी अच्छे सबके साथ अच्छे से फोटो ली खुद से एंजॉय करी अभी उसको कपड़ा चेंज करके फिर लेके जाए क्योंकि अभी भी बहुत जन आ रहे हैं बोल अरे इतना देर बाद मुझे तुम्हारे खुलने के लिए मौका मिला अभी बज रहे यहाँ क्या क्या था भी तू सब खेली थी तो जबरदस्त साकिब किछु बोलबे आस्ते आस्ते मेरा बोलने का और कुछ है नहीं मैं खुशी में और इतना दौड़ जाप करते करते मेरा और कुछ नहीं है मुझे बस खाना है पर बहुत टेस्टी है होएगा जी कॉमन होएगा जी बिरयानी का
हर जगह का खाना खाती हूँ और आप लोगों के साथ फूड ब्लॉगिंग करती हूँ, तो रायू के बर्थडे का खाना का नहीं करूँ, ये तो नहीं हो सकता। बहुत सारा अमेजिंग स्टार्टर्स भी था पर वो मैं टेस्ट नहीं कर पाई थी। चिकन पकौड़ा खाई थी, मूंग मोहन था साथ में, चना मसाला, फ्राइड राइस, चिकन और साथ में था फिश फ्राई, चटनी, पापड़ और रसगुल्ला, संदेश, सारे खाना बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग थे। पकौड़े भी बहुत अमेजिंग बने। एक्चुअली हम लोग जब बैठे थे ना ऑलमोस्ट 12 बज गया था, क्योंकि सबके लास्ट में सबको मतलब सारे गेस्ट को खिला के हम लोग खा रहे थे, क्योंकि बंगाली में मेनू कार्ड लिखा हुआ था, इसलिए आप लोगों को नहीं बहुत जन को पता होगा, इसलिए मैं हिंदी में आप लोगों को बता रही हूँ। और साथ में था पान भी और आइसक्रीम भी। রসগোল্লা খেয়েছে যে মিষ্টি খায় না সুন্দর মতলব কাহা রেখেঙ্গে সমঝ নেই আহ ইহা পে হ্যাঁ পড়ে হুয়ে হ। अब सबको उठा के कैसे, माँ के बैग में कुछ है सारे, कैसे लेके जाएंगे नहीं पता। नीचे घोड़े हो आज। हाँ देखते हैं कैसे। काड़ी क्रम देखो। अभी गिफ्ट लेके जाएंगे, कैसे लेके जाएंगे, एक बज रहा है, इरफान भाई गाड़ी लेके हाजिर। अभी ऑलमोस्ट 1:30 बज रहे हैं और अभी जा रहे हैं हम लोग घर शाकिब भाई का स्कूटी से। और हमें मेरा घर का हालत पूरा खराब हो चुका है, पूरा खराब हो रखा है। और रायू अभी भी थकी नहीं है, बहुत ही एंजॉय कर रही है ना रायू, एंजॉय, फुल एंजॉय। हाँ बहुत एंजॉय कर रही है, देखो देखो कितना एंजॉय कर रही है। अभी सबसे जो कष्ट की बात है वो है मेरा ये हेयर डू को खोलना। ये हेयर के लिए आज इतना तारीफ मुझे मिला है ना, क्या बोलूं। साकिब कैसी लग रही थी, मैं चांद चांद। और फोटो जो आया है ना कौशिक दा का, शागे बोला हाथ काट लेंगे, इतना अच्छा फोटो आया है। आ, आ, कल रात में आके मेरा मतलब एकदम चार्ज खत्म हो गया मेरा भी और मेरे फोन का भी, तो इसलिए मैं और शूट नहीं कर पाई थी। अब लोगों को एक बार ऊपर से दिखाती हूँ कितने सारे गिफ्ट्स यहाँ पे रखे हैं। बाहर इतना बड़ा बड़ा उसको कार्ड मिला है तो वो भी रखा हुआ है, मतलब घर में हम लोगों का बैठने का अभी जगह नहीं है। पर बाय द वे गाइस, थैंक यू सो मच कि रायू को इतना सारा विशेस मिला है, मतलब अनलिमिटेड। मुझे लगता था कि मुझे इतना विशेस मिलती है पर रायू ने तो मुझे एकदम मतलब बोलते हैं ना हमारा बंगाली में गो हरान हरा दिया है, क्योंकि रायू को बहुत सारे विशेस मिले हैं और बहुत अच्छे से पार्टी भी किया। मेरा बहुत चिंता था कि कैसा होगा कैसा नहीं, बहुत अच्छा हुआ, सब कुछ बहुत अच्छा हुआ। आप लोगों के साथ तो मैंने पूरा शेयर किया, आप लोग बता रहा डेकोरेशंस वगैरह कैसे थे। और सॉरी जिनका मतलब इंस्टाग्राम में मैं स्टोरी रिपोस्ट नहीं कर पाई, क्योंकि अकेले सब मैनेज कर रही थी तो मेरे आईडी से नहीं कर पाई, रायू का जितना हो सका था मैंने किया है। थैंक यू सो मच। यूट्यूब इंस्टाग्राम दोनों जगह आप लोगों ने बहुत प्यार दिखाया, यहाँ से पूरा लाइन लगा के एक के अंदर एक घुसा के मैंने यहाँ पे सब स्टोर किया है। सारे गिफ्ट्स का अनबॉक्सिंग जल्दी आएगा, उस रूम में भी गिफ्ट्स है, बहुत सारे गिफ्ट्स मिले हैं, सब आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। रायू अभी आ गई है तो आज का व्लॉग यही पे एंड करते हैं, रायू का बर्थडे का। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी, अगर पसंद आती है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। बहुत जल्दी मिलते हैं रायू का गिफ्ट्स का अनबॉक्सिंग वीडियो लेके, कितना एक्साइटेड हो वो भी बता देना। बाय, लव यू ऑल।